बीकानेर में लव जिहाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लड़की के पिता व दादा की ओर से लव जिहाद के आरोपों को जब लड़की ने खंडन किया तो रविवार को हजारों की संख्या में लोग लड़की के परिवार की सुरक्षा की मांग को लेकर कलेक्ट्री पर पहुंच गए। इस दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने अपनी ताकत दिखाई और समुदाय के एक साथ होने के दावे किए। यहाँ गजनेर रोड स्थित एक धर्मशाला में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर रैली के रूप में कलेक्ट्री तक पहुंचे। कलेक्ट्री परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। आरएसी के जवान भी तैनात किए गए। पुलिस ने बहुत सख्ती के साथ स्थिति से निपटते हुए कुछ लोगों को अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी। इसी संदर्भ में आज आदर्श जाट महासभा ने भी चोमू जिले के उपखंड अधिकारी को तुरंत कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया कि मुन्ने खान जबरदस्ती मनीषा का अपहरण करके ले गया और अवैध तरीके से झूठी शादी का नाटक करके नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके शादी का प्रमाण पत्र 16 दिसंबर 2020 को जारी करवा लिया था। राजस्थान के कानून में शादी करने से पहले लड़के व लड़की के माता पिता को लीगल नोटिस भेजा जाता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीकानेर में RD 860 जोड़ी परिवार के साथ जो लव जिहाद का प्रकरण हुआ है उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि उस परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उस परिवार की लड़की को जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उसको एक लड़का फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट के सामने से उठा ले गया। ये बेहद ही कानून को चैलेंज करने वाला प्रकरण है जो बेहद गलत है। जब ये कोर्ट के सामने ही आम आदमी सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या सुरक्षित रहेगा। इसलिए हमने आज मुख्यमंत्री के नाम SDM साहब को ज्ञापन दिया है और उसमें निवेदन किया है कि जिस प्रकार से झूठे तथ्यों के आधार पर उन्होंने नगर निगम बीकानेर से जो ये शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया है यह गलत है, इनको तुरंत प्रभाव से खारिज करें और 48 घंटे के अंदर अंदर लड़की को बरामद कर परिवार को सुपुर्द करें, नहीं तो एक बड़ा जन आंदोलन होगा। हाल ही में बीकानेर के अंदर हिंदू धर्म के सभी समाजों के लोग एकत्रित हैं, कम से कम 5,000 की संख्या में और भी लोग आ रहे हैं। अगर प्रशासन 48 घंटे के अंदर लड़की को बरामद नहीं करता है तो बड़ा जन आंदोलन होगा। अगर कोई भी सांप्रदायिक हिंसा होगी, दंगे होंगे, उसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा। बालीराम जाट, प्रदेश प्रवक्ता, आदर्श जाट महासभा, राजस्थान। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।